दीदी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसलिए सम्मान आप देंगे कुछ विशिष्ट लोगों को जिन्होंने कुछ और खास किया है, पर अपमान किसी का भी नहीं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में आर्यों को निर्देश दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य धर्मानुसार व्यवहार करना है। तीन क्वालिटी, इन पर फिर कभी चर्चा करूंगा। गांधी जी ने प्रार्थना सभा में बैठे हुए सम्मानित लोगों के साथ प्रार्थना शुरू की। सड़क पर झाड़ू देने वाला एक सफाई कर्मचारी दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उस प्रार्थना को सुनने लगा और गांधी जी ने प्रार्थना रोक दी और कहा कि प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इस प्रार्थना के शब्दों के आसपास खड़ा रहने वाला हर एक व्यक्ति इसमें शामिल न हो। उस व्यक्ति को जो झिझक और संकोच के कारण दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ है, उसको अंदर लाओ, प्यार से बिठाओ। जब आप सबको शामिल करते हैं तभी तो आप ईश्वर की प्रार्थना करने के अधिकारी होते हैं। ज्ञान के प्रकाश से किसी को बाहर मत रहने दो। आपकी करुणा का विस्तार दूर दूर तक हो जाए। मंच से उठ करके कुछ मित्र नीचे बैठ गए। क्यों? कारण है, जब आप कुछ विशिष्ट सम्मान पाते हैं, जब आपको समाज में उच्च स्थान मिल जाता है, सबकी निगाहें आपकी ओर हो जाती हैं। मंच पर बैठना सरल काम नहीं है, कठिन काम है, क्योंकि नीचे बैठते हुए आप पैर फैलाकर बैठे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मंच पर बैठ करके आप कोई उलझुल हरकत नहीं कर सकते, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। समाज में जो जितना शीर्षस्थ है, जितना उच्च स्थान पर है, उसको अपना आचरण उतना ही सावधानी के साथ संभाल कर रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। समाज में जो श्रेष्ठ पुरुष है, जिनको उच्च सम्मान मिल गया है, जो विशिष्ट माने गए हैं, चाहे धन के क्षेत्र में, चाहे विद्या के क्षेत्र में, चाहे शक्ति के क्षेत्र में, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हुए लोग ऊंची पोस्ट पर हैं, बड़ा धन ऐश्वर्य उनके पास है या बड़ी विद्या उनके पास है, लोग उनको प्रणाम करते हैं, उन लोगों को अपना आचरण बड़ी सावधानी के साथ श्रेष्ठ रखना होगा, क्योंकि लोग उनको देख करके अपना आचरण तय करेंगे। जैसा व्यवहार बड़े लोग कर रहे हैं वैसा व्यवहार समाज का नीचे वाले वर्ग का तबका करेगा। जैसी ड्रेस वो लोग पहने होंगे, समाज का निचला वर्ग वैसे ही कपड़े पहनना चाहेगा। जैसे वे उठ बैठ रहे होंगे, जैसा उनका खान पान होगा, जैसा उनका रहन सहन होगा, वैसा ही रहन सहन, खान पान, आचरण व्यवहार, सब कुछ नीचे वाला समाज का वर्ग वैसा ही करेगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत् तदेवेतरो जनः, ऊपर वाले लोग जिस प्रमाण में जैसा करते हैं वैसा ही नीचे वाले लोग करना चाहते हैं। इसलिए जो ऊपर हैं, उच्च स्थान पर हैं, उनको अपना आचरण विशेष सावधानी के साथ रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए कहा था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता, ये व्यंग में कहा था। वास्तविकता यह है कि जो समर्थ हैं, जितने अधिक ज्ञान संपन्न हैं, उनको उतना ही ज्यादा पाप लगेगा, ज्यादा पाप लगेगा अगर वो गलत कर रहे हैं तो। किसी भी समाज का पैमाना ये होता है कि बड़े लोग अगर अपराध करके छूट जाते हैं, वो समाज निश्चित रूप से पतन की ओर जाएगा। वहां एक दिन हर व्यक्ति अपराधी होने वाला है, वो देश, वो समाज अपराधों से, क्राइम से भर उठेगा और किसी का भी जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए शीर्षस्थ लोगों को अपना आचरण, अपना व्यवहार ध्यान में रखना होता है। और परमेश्वर हर व्यक्ति पर अपनी कृपाएं तो बरसा रहे हैं, पर हर व्यक्ति का आचरण निरख रहे हैं। इसलिए जहां पर भी हम हैं, जैसा भी कार्य हमने हाथ में लिया है, जिस स्थान पर भी हैं, वहां से ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम में से हर एक सूरज हो जाए, सूर्य जैसा प्रकाशित और तेजस्वी हो, पर दीपक तो हम में से हर कोई हो सकता है। अपने अपने आसपास थोड़ी बहुत किरणें तो हम में से हर एक बिखेर सकता है। रविनाथ टैगोर की कविता फिर मुझे स्मरण हो आई, उसका हिंदी अनुवाद किया है रामानंद दोषी ने,
वो कहते हैं सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। शाम के समय सूरज जब छिपने लगा पश्चिम में तो सूरज को यह चिंता हुई कि अब रोशनी फैलाने का काम कौन करेगा, कौन प्रकाश फैलाएगा धरती पर। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। शाम के सूरज ने रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, मेरे कार्य को अब कौन संभालेगा। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। सारा संसार तब चुप रह गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, रह गया सुनकर जगत सारा निरुत्तर मौन। तब एक छोटे से दिए ने दीपक ने दीवले ने तब एक छोटे से दिए ने नम्रता के साथ कहा जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ, जितना बन सकेगा मैं करूंगा नाथ। कोई बात नहीं, हमारे बीच में ऋषि दयानंद नहीं है, कोई बात नहीं, वैदिक काल के कोई ऋषि हमारे बीच में नहीं है। ध्यान रखो, वो समाज कभी उन्नति नहीं करता जो अपने सामाजिक पारिवारिक वैयक्तिक दुख अत्याचारों अन्याय की समाप्ति के लिए किसी अवतार की प्रतीक्षा करता है। ईश्वर आएंगे वही हमारे दुख दूर करेंगे। अवतार होते हैं, हाँ अवतार होता है ईश्वर का, तीन तरह से होता है। किस तरह से होता है, जैसा हिंदू समाज ने समझा है वैसे नहीं होता, लेकिन जैसा समझाया गया था ऋषियों ने पुराण कारण जैसा समझाया था वैसा भुलाकर हम न जाने क्या समझे बैठे। उसको समझाने के लिए मुझे 15 मिनट का समय चाहिए, फिलहाल उसे छोड़ता हूं। शाम को आएंगे, कल सुबह आएंगे, कल शाम को आएंगे, फिर कहेंगे इस बात को, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो प्रतीक्षा ना कीजिए कि कोई ऋषि आएंगे कोई देव पुरुष आएंगे और तब समाज का उत्थान होगा, नहीं। अंधेरे से भरे हुए माहौल में इतने लोग बैठे हों और हॉल में अंधेरा हो, एक एक आदमी अपनी अपनी जगह अगर एक एक माचिस की तीली जलाता है, एक एक दीपक प्रज्वलित करता है बस अपने अपने स्थान पर, और दीपक और दीपक और दीपक और सैकड़ों दीपकों की रोशनी मिलकर के अंधेरे को पराजित करती है। इसलिए हर व्यक्ति जहां है उसके हाथ में जो भी कार्य आया है उसे यज्ञ बनाते हुए, उसे ईश्वर की भक्ति बनाते हुए उस कार्य को कर रहा है, निश्चित रूप से वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, और ईश्वर उसके इस कार्य को भक्ति समझकर स्वीकार करेंगे। क्या होती है ईश्वर की भक्ति, मैं आपसे निवेदित करूंगा। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ये चारों अलग अलग चीजें हैं और इन चारों का लाभ अलग अलग है। मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कुछ चर्चा इस बारे में आपसे की थी या नहीं, की होगी शायद, फिर से करूंगा। नहीं की होगी तो पहली बार सुन लीजिए, नहीं दूसरी बार सुन लीजिए। तो विचारों की दृढ़ता आवश्यक है वो, और वो बार बार सुनने से होती है। तो आज आपने श्रद्धा के साथ यज्ञ किया, ध्वजारोहण किया और वेद के पवित्र ग्रंथों को रखने के लिए एक सुंदर अलमारी का उद्घाटन किया और विशिष्ट लोगों का सम्मान किया और कुछ थोड़ा बहुत आपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आने वाले 3 दिनों में आप इन बातों का स्मरण रखते हुए कि हमें अपने हर एक कार्य को यज्ञीय भावना से करना है और इस खूबी के साथ करना है, सुंदरता के साथ करना है, और जैसी भी शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग ईश्वर की आज्ञा में कर देना है, और बस ये करके आप विशिष्ट सम्मान के पात्र होंगे। संसार आपको अगर सम्मान ना दे, रिकॉग्नाइज ना करे, मान्यता ना दे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ईश्वर आपको देख रहे हैं, न केवल आपके विशिष्ट कार्यों को बल्कि जो गलत सलत है उन सबको भी देख रहे हैं, सबके ऊपर वो मौजूद है। मंच पर बैठे हुए थे हम लोग मुंबई में और वीडियो कैमरा सामने था और मैं अपनी गर्दन को इस तरह खुजलाने लगा, ऐसे ऐसे किया, सिर में खाज आई और मेरे बाल अस्त व्यस्त हो गए। मेरे पास में बैठे हुए मित्र ने मुझे सावधान किया, बाल ठीक कर लीजिए, वीडियो कैमरा देख रहा है, उसमें आपकी पिक्चर जाएगी। कितनी सावधानी, कितना ख्याल हम रखते हैं जब कैमरा सामने हो। ठीक से बैठ जाए, कैमरा तस्वीर खींचेगा, फिर उसे दूसरे लोग देखेंगे। यही तो बात है ना कि दूसरे लोग देखेंगे, इसलिए चिंता होती है कि कैमरा जब देख रहा है सामने तो हम सावधान होकर बैठे।
और इस बात की चिंता हम कितनी करते हैं कि ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, इसलिए सावधान होकर चले। तो ये जीवन का जो एक गहरा भाव है, ये ऐसे सत्संगों के द्वारा, ऐसे आयोजनों के द्वारा जगाने की चेष्टा की जाती है। जब इस धरती पर ईश्वर के नाम पर चलने वाले जितने धार्मिक संगठन हैं, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है, जब ईश्वर की सच्ची आज्ञाओं को समझ करके ईश्वर के नाम पर सबको एकत्र और एकीभूत और संगठित करने का व्रत लेंगे, उस दिन इस धरती से दुख, दर्द, यातना, अन्याय, कलह, द्वेष, ईर्ष्या सब समाप्त होंगे और ये धरती, ये मानवता सुख और शांति के वातावरण में सांस ले सकेगी। तो अपनी बात को यहीं रोक दूं, बची हुई बातें आगे के लिए छोड़ते हुए, आपने इतनी देर तक धैर्य से इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में, आयोजकों के कार्यक्रम में साथ दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आगे आने वाले कार्यक्रमों में आप ऐसे ही उत्साह के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ उपस्थित होते रहेंगे, इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त नहीं करता, बीच में रोकता हूं। धन्यवाद।